नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के जेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैलानी वन रेंज की जटपुरा बीट के अंतर्गत कंपार्टमेंट 13 में जंगल से सटे एक खेत में बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आनन फानन में वन कर्मियों व अधिकारियों ने पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर देखा कि बाघिन के शव के गले में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टिया देखने से लग रहा है कि बाघिन की मृत्यु गले से रस्सी के फंदे लगने से होने की आशंका है। हालांकि बाघिन की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मौके पर मौजूद वन अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा खेत में चारा काट रहे लोगों पर बाघिन के हमले की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचाया गया। मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम को बाघिन का शव गले में रस्सी के फंदे के साथ बरामद किया। बाघिन की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अब ये प्रथम दृष्टया तो देख के ऐसा लग रहा है कि एक रस्सी है उसके गले में, तो रस्सी लगी होने से बहुत संभावना है कि उस फंदे में फंसा हो, और फंसने के बाद जो स्ट्रगल दिखती है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये उसी प्रकार से दिख रहा है कि उसके कारण से चोटिल हुआ है, और अब ये भी देख के लग रहा है कि कमज़ोर है, तो मे भी और भी कोई हो सकती है समस्या हो अंदर, वो तो पोस्टमार्टम करने के बाद और फिर जब बिसरा रिपोर्ट है ये सब आने के बाद पता चल पाया कि कोई बीमारी तो नहीं है उसकी, क्योंकि बॉडी को यदि प्रथम दृष्टया देख रहा हूँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से शिकार किया हुआ नहीं, कमज़ोर है काफ़ी। अब उसी दरमियान हो सकता है कि कहीं पर बाहर किसी ने अपने खेत वगैरह में ये फंदा टाइप का लगा रखा हो। जनरली जो इस एरिया के लोग हैं वो शायद हर्बी बोर मारने के लिए लगाते हैं, और ये टाइगर कमज़ोर होने के कारण शायद वो उससे निकलने में कामयाब नहीं हो सका। आमतौर पे रस्सी से फंसने की घटना टाइगर की बहुत कम देखी गई है। सर क्या उम्र होगी इस टाइगर की? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 साल के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, सारी पार्ट्स के सुरक्षित हैं? ये तो फीमेल टाइगर है, पार्ट सुरक्षित हैं सारे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।